नमस्कार साथियों मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है साथियों जैसा कि आपको अवगत है नए निर्देशों के अनुसार आपको 100 दिन का बच्चों का एक रीडिंग कैंपेन चलाना है जिसमें आपको बच्चों को कार्य देना होगा जिससे कि बच्चे पढ़ सकें आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि 10 एक 2022 से 16 एक 2022 तक बच्चों को क्या कार्य देना है क्योंकि 16 एक 2022 तक स्कूल बच्चों के लिए बंद है और अगर कोरोना की स्पीड इस तरह ही चलती रही तो संभवतः आगे भी बंद हो जाएंगे इसलिए व्हाट्सएप के माध्यम से आप इस रीडिंग कैंपेन के मेटीरियल को बच्चों को भेज सकते हैं साथियों वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं अगर आप चाहते हैं इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको एक प्लेटफार्म पर मिले तो उसके लिए मैंने इन्फॉर्मेटिव वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप और इन्फॉर्मेटिव वीडियो टेलीग्राम ग्रुप बनाए हुए हैं आप चाहें तो मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डेस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा जिसपे क्लिक करके आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं तो साथियों रीडिंग कैंपेन के अंतर्गत किसी भी लिखे हुए अक्षर शब्द या पंक्ति को पढ़कर समझ पाने की क्षमता को रीडिंग कहते हैं रीडिंग की क्षमता बच्चों को अपनी कक्षा में सभी विषयों को बेहतर सीख पाने में तो सहायक करती है साथ ही अनगिनत किताबों अखबारों दीवारों कैलेंडरों आदि में भरे ज्ञान के भंडार की चाबी भी देती है उत्तर प्रदेश के सभी बच्चों को रीडिंग में सक्षम बनाने के लिए सौ दिन का रीडिंग कैंपेन चलाया जा रहा है आशा है कि इस कैंपेन के फलस्वरूप सभी बच्चे बेहतर रीडर बनने के साथ साथ नई नई कहानियां पढ़ सकेंगे अपनी पसंद की किताबों का चुनाव कर सकेंगे और जागरूक पाठक बन सकेंगे इसके लिए अभिभावकों के लिए संदेश दिए गए हैं रीडिंग कैंपेन में अभिभावक क्या क्या, -क्या भूमिका निभा सकते हैं सबसे पहले बच्चों को पढ़ने के लिए सामग्री उपलब्ध करा सकते हैं जैसे बच्चों को विद्यालय से मिली किताबों की कहानी की किताबें जैसे सहज हिंदी की पाठ्य पुस्तक विद्यालय की पुस्तकालय में मिली कहानी की किताबें आदि पढ़ने को बच्चे को कह सकते हैं साथ ही हमारे घरों में बहुत सारी लिखित सामग्री उपलब्ध है जैसे गाँव और घर की दीवारों पर लिखे संदेश गैस चूल्हे पर कंपनी का नाम बर्तनों पर खुदे परिवार के मुखिया का नाम बाहों पर नाम टैटू अखबार का पन्ना खरीदारी की सूची टूथपेस्ट बॉक्स आदि बच्चों को हर ऐसी अलग अलग सामग्री को पढ़ने के लिए आप प्रेरित कर सकते हैं इसके साथ साथ प्रतिदिन कम से कम दो घंटे रीडिंग के लिए तय कर दें आप बच्चों का जिससे कि वे प्रतिदिन पढ़ें अपनी सुविधा के अनुसार हर रोज दो घंटे तय करके सभी बच्चों को साथ में रीडिंग करने के लिए बिठाएं इस समय में खुद भी उनके साथ जुड़ें घर के बाकी सदस्यों को भी जोड़ें हर पढ़ी गई कहानी जानकारी आदि को बच्चों के साथ साझा करने को कहें इसके साथ साथ विद्यालय में मिले इस पत्रक में दिए गए लिंक को खोलकर बच्चों को अवश्य पढ़ाएं इस प्रकार का एक पत्रक प्रति सप सब, प्रति सप्ताह विद्यालय के शिक्षकों द्वारा आपसे साझा किया जाएगा इस पत्रक पर कहीं आकर्षक कहानी और गतिविधियों के लिंक हैं इन्हें बच्चों को दिखाएं गतिविधि करते समय बच्चों को रीडिंग या फोटो लेकर शिक्षकों के साथ साझा करें इसके लिए शिक्षकों से संपर्क करके बच्चों के विद्यालय के व्हाट्सएप ग्रुप में बच्चों को आप जोड़ लें बच्चों के व्हाट्सएप ग्रुप में इसके साथ साथ उन्हें प्रेरणा अक्षय ऐप इंस्टॉल करा दें उसके साथ साथ दीक्षा ऐप को भी उन्हें इंस्टॉल करा दें क्योंकि गूगल रीड अलोंग ऐप को भी इंस्टॉल करा दें और यूपी प्रदेश का पार्टनर कोड यूपी प्रेरणा होगा जो पार्टनर कोड उसमें डालना है तो उसमें आप यूपी प्रेरणा डलवा दें बच्चों को क्योंकि अब ज्यादातर ऑनलाइन क्लासेस बच्चों की चलेगी तो आप सबसे पहले देखते हैं कक्षा एक और दो के बच्चों को आपको किन किन गतिविधियों के लिंक आपको प्रेषित करने हैं सोमवार को हालांकि ये समय आपका गुजर चुका है लेकिन आप अगर आपने नहीं सहायता किया है तो आप अपना परिचय और मेरी माँ मेरी बेस्ट फ्रेंड ये दो लिंक दिए गए हैं आपको डिस्क्रिप्शन में ये दोनों लिंक मिल जाएंगे वहाँ से आप बच्चों को साझा कर सकते हैं मैं लिंक लिंक को डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा मंगलवार को कविता परिवार के सदस्य इसका लिंक भी आप बच्चों को भेज सकते हैं इसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा बुधवार को परिवार के बारे में बातचीत करना ये लिंक आप बच्चों को भेज दें बृहस्पतिवार को अपने परिवार के बारे में बातचीत करना ये लिंक आप बच्चों को भेज दें शुक्रवार को मौखिक रूप से घरेलू काम का वर्णन करना ये सभी लिंक आप उनको भेज दें और शनिवार को परिवार के साथ क्या करना पसंद करते हैं ये सभी लिंक आप बच्चों को भेज दें अगर आपको ये वीडियो लेट मिल रही है तो आप शनिवार को ही या शुक्रवार को ही सारे लिंक भेज सकते हैं तो बच्चों को ये लिंक जरूर भेजें ये सभी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे अब बात करते हैं कक्षा तीन और पाँच की तो कक्षा तीन के पाँच के सोमवार को आपका परिचय मेरी माँ मेरी बेस्ट फ्रेंड ये दो लिंक दिए गए हैं ये भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे मंगलवार को मेरा प्रथम परिचय पशु इसका लिंक दिया गया है ये लिंक भी आपको डेस्क्रिप्शन में मिलेगा बुधवार को चलता पहाड़ ये लिंक आपको बच्चों को भेजना है और बृहस्पतिवार को मेरा प्रथम परिचय फलों और सब्जियों से इसका लिंक आपको बच्चों को भेजना है शुक्रवार को मेरा घर इसका लिंक आपको भेजना है शनिवार को आओ साथ मिलके कहानी बनाएं ये लिंक आप बच्चों को भेज दें उसके बाद बात करते हैं छ से आठ में सोमवार को पापा की मूछे ये लिंक आपको बच्चों को भेजना है मंगलवार को कितना शोर ये लिंक आपको बच्चों को भेजना है सभी लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा बुधवार को चलता पहाड़ इसका लिंक आपको भेजना है बृहस्पतिवार को गीत का कमाल ये लिंक आपको भेजना है और शुक्रवार को स्माइल प्लीज ये लिंक आपको बच्चों को भेजना है इसके साथ साथ शनिवार को आप आओ मिल आओ साथ मिलकर कहानी बनाएं ये लिंक आप बच्चों को भेज दें ये सभी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे वहां पे क्लिक करके आप इन लिंकों को कॉपी करें और कॉपी करके बच्चों के व्हाट्सएप ग्रुप में पेस्ट कर दें क्योंकि अब सारा काम ऑनलाइन ही होगा क्योंकि जिस तरह से कोरोना की स्पीड बढ़ रही है तो लगता है आपको अगर आपके स्कूल खुले तो स्कूल में टीचर्स को जाना होगा बच्चों को शायद ना बुलाएं तो इसलिए आप अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए बच्चों को ऑनलाइन काम देने की तो साथियों आज की वीडियो में इतना ही आपको यह वीडियो कैसी लगी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें वीडियो पर कमेंट्स करें और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके धन्यवाद